नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला हमारी 21 मई से स्टार्ट हो चुकी थी और इसका फेज 4 31 मई से स्टार्ट हो गया था। इस बार मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आपको बच्चों को फ़ोन करना है, टीवी पर आने वाले प्रोग्रामों को व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को शेयर करना है। इसके साथ साथ अन्य टाइम टेबल भी दिया जाता है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को आपको ये भी बच्चों को शेयर करना होता है। इसके साथ साथ आपको एक ई पाठशाला फेज 4 का रजिस्टर बनाना होगा। आज की इस वीडियो में हम ई पाठशाला प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के रजिस्टर के बारे में जानेंगे कि किस तरह से रजिस्टर इसका बनाएं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ई पाठशाला रजिस्टर के बारे में, लेकिन मुझे एक सुरभि अग्रवाल जी हैं बिजनौर जनपद की अध्यापिका, उनके द्वारा भेजा गया रजिस्टर बहुत पसंद आया। सुरभि अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर रजिस्टर बनाया है। देखते हैं किस तरह का इन्होंने रजिस्टर बनाया है। आप इसकी मदद से आप अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं सुरभि अग्रवाल जी ने कैसा रजिस्टर बनाया है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 4, ये 2 लिखा हुआ है, इसको फेज 4 मान लेना आप। प्राथमिक विद्यालय आले अलीपुर विकासखंड कोतवाली जनपद बिजनौर में ये सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इतना सुंदर रजिस्टर बनाने और उसको मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए सुरभि अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर रजिस्टर बनाया हम शिक्षक साथियों के लिए। इसकी मदद से आप अपना रजिस्टर बना सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये 20 मई से स्टार्ट किया है, क्योंकि 21 मई से स्टार्ट किया है क्योंकि 21 मई को मिशन प्रेरणा की पाठशाला शुरू हो गई थी। हालांकि उस टाइम फेज 3 चल रहा था और 31 मई से फेज 4 स्टार्ट हुआ था। तो कक्षा 1 गणित 9 से 9:30 बजे तक उड़े गुब्बारे, कक्षा 2 गणित 9:30 से 10 बजे तक गुल्लू की गोलक, 3 में इंग्लिश 10 से 10:30 द फेयर, 5 में ईवीएस 10:30 से 11 गौरव पुरस्कार। ये आपका 20 मई का प्रोग्राम है जो दूरदर्शन पे आया था। इसको आप अपने रजिस्टर में इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं 21 मई की। 21 मई में 3 तारीख को हिंदी का प्रोग्राम आया 9 से 9:30 बजे बंदरबाट, 4 तारीख कक्षा 4 का इंग्लिश का प्रोग्राम आया 9:30 से 10:30 बजे तक ओपन ए बुक, 5 बजे मैथ्स का प्रोग्राम आया 10 से 10:30 गुणा भाग, और कक्षा 5 का ईवीएस का 10:30 से 11 बजे खेलों के प्रकार। उसके बाद बात करते हैं 22 मई की। इन्होंने बहुत ही इजी वे में रजिस्टर बनाया है, आप इसकी मदद से भी अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। 22 मई में कक्षा 1 मैथ 9 से 9:30 इकाई दहाई, कक्षा 3 इंग्लिश 9:30 से 10 माई फैमिली, कक्षा 5 ईवीएस 10 से 10:30 पौधे भाग एवं कार्य, कक्षा 5 फिर मैथ्स का 10:30 से 11 दशमलव गुणा भाग, फिर कक्षा 5 में ईवीएस 11 से 10:30 बजे भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी। ये दूरदर्शन के प्रोग्राम इन्होंने लिखे हुए हैं, क्योंकि तब दूरदर्शन के प्रोग्राम ही चल रहे थे। 23 मई को कक्षा 1 मैथ 9 से 9:30 बजे लता की कक्षा, कक्षा 3 में मैथ 9:30 से 10 सीखों का कमाल, कक्षा 4 में ईवीएस 10 से 10:30 मेला, कक्षा 5 ईवीएस 10:30 से 11 आओ मिलकर खेले खेल। उसके बाद 24 मई कक्षा 2 हिंदी 9 से 9:30 बजे टपका का डर, कक्षा 3 में हिंदी 9:30 से 10 हिंदी पहेलियां, कक्षा 4 में ईवीएस 10 से 10:30 जल है जीवन, कक्षा 5 ईवीएस 10:30 से 11 आओ मिलकर खेले खेल। ये आपका 24 तारीख का है। उसके बाद 25 तारीख को कक्षा 3 9 से 9:30 बजे हिंदी सबसे पहले, कक्षा 3 9:30 से 10 हिंदी इसमें क्या शक है, उसके बाद कक्षा 5 10 से 10:30 बजे हिंदी मेरी शिक्षा। उसके बाद 26 मई की बात करें, 26 मई कक्षा 1 में 9 से 9:30 बजे हिंदी हुआ सवेरा, कक्षा 1 में ही 9:30 से 10 हिंदी बाघ, कक्षा 2 10 से 10:30 हिंदी देखभाल, कक्षा 3 10:30 से 11 हिंदी मुर्गी मुर्गा और लोमड़ी, कक्षा 3 11 से 12 हिंदी तालाब में चांद, कक्षा 4
12 से 12:30 बजे हिंदी प्यासी मैना कक्षा 5 12:30 से 1 बजे हिंदी पंच परमेश्वर। उसके बाद 27 मई कक्षा 1 में मैथ, इसमें टाइम लिखा हुआ है आप देख लेना, मैथ बाघम। कक्षा 2 हमारी संख्याएं, कक्षा 3 संख्याओं का घर, कक्षा 4 संख्याएं और कक्षा 5 संख्याएं, ये टीवी पे प्रोग्राम आए थे। उसके बाद 28 मई कक्षा 1 में तालाब, कक्षा 2 में छोटी बड़ी संख्याएं, कक्षा 3 में संख्याओं का मिलन, कक्षा 4 में संख्याओं की तुलना और कक्षा 5 में संख्याएं। तो काफ़ी सुंदर रजिस्टर बनाया सुरभि अग्रवाल जी ने, आप इसकी मदद से अपने रजिस्टर को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 31 मई को कक्षा 1 सैर सपाटा मैथ में, कक्षा 2 शेप्स एंड कलर्स इंग्लिश में, कक्षा 3 हमारा परिवार ईवीएस में, कक्षा 4 हमारी पहचान हमारे परिवार ईवीएस में, कक्षा 5 द इनॉर्मस ट्रम्प इंग्लिश में। उसके बाद 31 मई से लिंक भी आपके आप गए थे, शेयर लिंक, कौन कौन से लिंक आपने शेयर किए। कक्षा 1 में मैथ का लिंक, सैर सपाटा इसका लिंक दिया हुआ है, ये शेयर किया गया। कक्षा 1, 2, 3 में त्रिकोण का ड्राइंग, इसका लिंक दिया हुआ है। कक्षा 1, 2, 3 में डांस विद कलर नेम, इसका लिंक दिया हुआ है। और कक्षा 5 में इंग्लिश इनॉर्मस टर्निप, इसका भी लिंक दिया हुआ है, आप लिंक इसको लिख लीजिए। इस तरह से ये लिंक आपको दिए हुए हैं। और कक्षा 4 में ईवीएस हमारा पहचान हमारे परिवार, इसका लिंक है। कक्षा 3 में ईवीएस हमारा परिवार, कक्षा 2 में शेप्स एंड कलर, इसका लिंक दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। उसके बाद 1 जून की बात करें, 1 जून में वही टीवी का प्रोग्राम 9 से 9:30 बजे, गिनो बताओ कक्षा 1 में, कक्षा 2 में इंग्लिश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कक्षा 3 में ईवीएस हमारा परिवार, कक्षा 4 में ईवीएस स्थानीय पेशे व्यवसाय, और कक्षा 5 में परिवार कल और आजकल। उसके बाद लिंक भी दिए एक तारीख के, मैथ इंग्लिश ईवीएस कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के, आप इस लिंक को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद 2 जून को 9 से 9:30 बजे उड़े गुब्बारे, जोड़ जोड़कर खेलो खेल 9:30 से 10, 10 से 10:30 बजे वाराणसी की यात्रा, 10:30 से 11 जब मैं पढ़ता था, 11:30 से 11:30 बजे ईवीएस परिवार कल और आज और कल। इसके साथ साथ लिंक भी शेयर किए गए बच्चों को, शेयर लिंक आप इनको लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 में कौन कौन से लिंक आपने शेयर किए। इसके साथ साथ इन्होंने सबसे बड़ी बात, जो बच्चों को फोन पे बात की गई उसके लिए अलग से एक चिट बनाकर उस रजिस्टर में लगाई गई है। जैसे 1 जून को बच्चों को सिड्रा इसका फ़ोन नंबर दिया है, उन्होंने क्या समस्या बताई, टीवी नहीं है, फ़ोन ख़राब है। दूसरा तमन्ना का फ़ोन नंबर दिया है, नोट रीचेबल आ गया। इसी तरह से 4 जून को कसीब मोबाइल देख रहे हैं और उजैर बाहर गए हुए हैं। 5 जून को हर्ष टीवी देख रहे हैं, मिसबा मुंबई है। तो जो भी समस्या है वो समस्या इन्होंने एक पेज पे इस तरह से चिट लगाकर इन्होंने उस पर स्टेपल कर दी। आप भी इस तरह से स्टेपल कर सकते हैं। कॉलम आपके वही रहेंगे, 3 जून के 9 से 9:30 बजे उड़े गुब्बारे, 9:30 से 10 बिंदिया की दुकान, 10 से 10:30 बंदरबाट, 10:30 से 11 हाँ में हाँ, और 11 से 11:30 परिवार कल और आजो कल। इसके लिंक भी दिए हुए हैं, कौन कौन से लिंक आपने शेयर किए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में। इसी तरह 4 जून में 9 से 9:30 बजे इकाई और दाई, 9:30 से 10 कौन कितनी बार कक्षा 2 का, 10 से 10:30 बजे सीखो का कमाल कक्षा 3 का, और कक्षा 4 का संख्याओं का जोड़, और कक्षा 5 परिवार कल और आज कल। इनके जो लिंक हैं, लिंक भी दिए हुए हैं जो बच्चों के साथ आपने शेयर किए, आप लिंक लिख सकते हैं। बहुत सारी YouTube पे वीडियो हैं, उनके लिंक लिख सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके भी आप लिंक लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 जून की बात करें, 5 जून में कक्षा 1 में लता की कक्षा, कक्षा 2 में गुल्लू की गुल्लक, कक्षा 3 में सीखो का कमाल, कक्षा 4 में घटाना, और कक्षा 5 में पीपल हु हेल्प अस, इनके लिंक दिए हुए हैं, ये लिंक आप लिख सकते हैं। उसके बाद 6 जून की बात करें, 6 जून में हिंदी में हुआ सवेरा, कक्षा 2 में टपका का डर, कक्षा 3 चांद का कुर्ता, कक्षा 4 जब मैं पढ़ता था, कक्षा 5 2 और 3 अंक के संख्याओं से गुणा, इनका लिंक दिया हुआ है, ये लिंक भी आप लिख सकते हैं कि ये लिंक हमने बच्चों को शेयर किए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में। अब बात करते हैं 6 जून की, 6 जून का करने से पहले जो बच्चों से बात की, अल्तमस कल से देखेंगे, क्रिश टीवी खराब है, मोबाइल चलाना नहीं आता, ये दो प्रॉब्लम आई, दो बच्चों को उन्होंने फ़ोन किया,
और ये चिट ऊपर लगा दी, स्टेपल कर दी 6 जून का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर। देखिए यहाँ पर 7 जून का जो है यहाँ पर वो चिट लगी हुई थी, 7 जून से 12 जून, 7 जून का प्रोग्राम, कक्षा 1 बाघ, कक्षा 2 देखभाल, कक्षा 3 द बास्केट, कक्षा 4 हाँ मियाँ, कक्षा 5 भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। इसी तरह 8 जून का है कक्षा 1 में नंबर्स, कक्षा 2 में बड़की का पिता, कक्षा 3 में भिंद, कक्षा 4 में गुणा और कक्षा 5 में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। 9 जून में कक्षा 1 लेट्स डू, कक्षा 2 हमारी संख्याएं, कक्षा 3 द फेयर, कक्षा 4 ओपन ए बुक और कक्षा 5 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। उसके बाद इन्होंने 7 जून के ऊपर ये लगाया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। नीरज को फ़ोन किया, कल से मोबाइल देखेगा। अरमान को फ़ोन किया, मोबाइल पर आया कार्य कर रही है। 8 जून को इल्मा भाई फ़ोन लेकर चला जाता है और उसके बाद मानव को फ़ोन किया, फ़ोन रिचार्ज नहीं है। इस तरह की आप समस्या उस पर आप चिट लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास किया है सुरभि अग्रवाल जी ने, बहुत ही सुंदर उन्होंने इस तरह 8 जून में फ़ोन पर देख रहे हैं। दूसरे बच्चे को फ़ोन किया घनेन्द्र को, फ़ोन चाचा के पास है, काम पर चले जाते हैं, टीवी नहीं है। 10 जून को इस तरह से आप इनको रख सकते हैं। ये 7 जून से 12 जून का प्रोग्राम है। कक्षा 1 में पसंदीदा प्राणी का चित्र बनाना जो गतिविधि है, कक्षा 1 और 2 में, कक्षा और 3 में काल्पनिक घर का चित्र बनाना, इनके लिंक दिए हुए हैं यूपी एनिमल्स यूपी हाउसेस, तो इन लिंक को आप लिख सकते हैं। ये मंगलवार को रिवीजन होगा, बुधवार को पसंदीदा खिलौनों का चित्र बनाना इसका लिंक, और फेवरेट वाहन का चित्र बनाना इसका लिंक। इसी तरह शुक्रवार को रिवीजन, फेवरेट फूड का चित्र बनाना, सभी चित्र बनाकर कहानी बनाना, ये सब लिंक आपको दिए हुए हैं। उसके बाद सोमवार को कहानी बंदरबाट, मस्त कलंदर और बिंदु बनी मछली, ये सब लिंक दिए हुए हैं। मंगलवार को रिवीजन, कहानी मीना की 3 इच्छाएं, मेरी बढ़ती हुई कृतज्ञता। शुक्रवार को रिवीजन, बंदरबाट के लिए खाएं आधा आधा, अपनी चिड़िया बनाओ रिवीजन, इनके लिंक आपको दिए हुए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपको ई पाठशाला का रजिस्टर बनाना है। सुरभि अग्रवाल जी जो बिजनौर जनपद से हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास किया है इन्होंने रजिस्टर बनाने के लिए, और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर रजिस्टर बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।